सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। जनपद चंदौली में मंगलवार को वृहद वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश गिरीश चंद्र यादव, आयुक्त ग्राम विकास गौरी शंकर प्रियदर्शी एवं जिलाधिकारी संजीव सिंह द्वारा विकास खंड नौगढ़ के ग्राम सभा देवरी कला स्थित शक्ति उपवन में वृक्षारोपण कर किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में इस वर्ष 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। रोपण किया जा रहा है जिसमें कि विभिन्न तरह के वन हैं, शक्ति वन है, युवा वन है, बाल वन है और मियाबाकी पद्धति से भी वन आयोजित किए जा रहे हैं, खाद वन लगाया जा रहा है। इस महाअभियान में आज हमारे जनपद के नोडल माननीय मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी की मौजूदगी में देवरी ग्राम पंचायत जो कि नौगढ़ जैसे सुदूर क्षेत्र में है वहाँ पर शक्ति वन की स्थापना की गई है। इसमें महिलाओं के द्वारा इसमें वृक्षारोपण किया गया है, साथ ही इसी क्षेत्र में जो है खाद वन भी लगाया गया है जो महिलाओं के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री की संकल्पना है कि मिशन शक्ति से इसको जोड़ा जाए, उसी के संकल्पना के अनुरूप आज ये नोडल कार्यक्रम किया गया है जिसमें प्रदेश से माननीय ग्राम विकास आयुक्त महोदय श्री जी एस प्रदेशी सर भी यहाँ उपस्थित रहे हैं और ये देखने में आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप पूरे जनपद में लोगों में उत्साह है, महिलाओं में उत्साह है, वो वृक्षारोपण को लगाने के साथ साथ इसमें बचाव के लिए भी कि हम इसको पालन पोषण करेंगे और पेड़ों को बचाएंगे, जो हमारे तालाब हम का पुनर्जीवन किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर जो हमारे 734 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं वहाँ पर अमृत वन की भी स्थापना की जा रही है। एक व्रत कार्यक्रम है जिसको 5, 6 और 7 जुलाई को किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 15 अगस्त को हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो आयोजन होगा तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर के पास अमृत वन की स्थापना भी की जाएगी और ये वृक्षारोपण निश्चित रूप से जन आंदोलन से जोड़ा जा रहा है। सभी लोग जुड़े हुए हैं, इसमें मीडिया की बहुत सकारात्मक भूमिका रही है। सभी लोगों से ये अनुरोध है कि इस पेड़ प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाए और उसकी सुरक्षा भी करें, उसको बड़ा करें ताकि जो पर्यावरण के समक्ष संकट है उससे बचा जा सके। चंदौली जिले में इस नौगढ़ ब्लॉक में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण का एक लक्ष्य रखा है कि उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण 4 तिथियों में जो निर्धारित किया है उसी के कार्यों की पूर्ति के लिए हमारे जनपद चंदौली के जिलाधिकारी महोदय ने चंदौली जनपद का भी एक लक्ष्य रखा है कि 57.32 लाख वृक्षारोपण चंदौली ज़िले में होगा और वो भी 4 तिथियों में उन्होंने डेट निर्धारित किया है। तो उस 57.32 लाख की आज जो है वृक्षारोपण की शुरुआत हो गई है और आप देखिए कम से कम एक साथ 500-600 वृक्ष एक जगह ही लगाए गए हैं, अभी आगे और यहीं लगाए जाएंगे। और जिसे आप देख सकते हैं कि जो लक्ष्य वृक्षारोपण के लिए निर्धारित है उस लक्ष्य को पूर्ति के लिए पूरे जिले का प्रशासन और वन विभाग के सभी अधिकारी हमारे मुझे लगता है वृक्षारोपण के नोडल के रूप में ग्राम विकास विभाग के आयुक्त महोदय भी यहाँ आए हुए हैं और ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी गंभीरता से इस वृक्षारोपण को लिया और वृक्षारोपण से मानव के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो प्रदूषित वातावरण आता है इस वृक्षारोपण के कारण से वो जो दूषित वातावरण है वो नहीं रहेगा, हमको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, अच्छी हवाएं मिलेंगी जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। और पिछली सरकारों में जो वृक्षारोपण होता था वो कांटेदार वृक्ष लगाए जाते थे लेकिन हमारी सरकार में फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं और जो हमारे ऋषि मुनियों ने जहाँ त्याग किया, तपस्या किया और इस देश को एक नई दिशा दिया, जो समाज से विलुप्त था उस वृक्ष को भी पुनर्जीवित करने का काम हमारी सरकार ने किया। यहाँ महिलाएं थी पौधों के पास, वो क्या था उनको क्या, वो भी एक वृक्ष लगाई, उनके मन में भी संकल्प था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो प्रत्येक व्यक्ति अपने जहाँ वृक्ष लगे हैं वहाँ वहाँ उपस्थित थे और वहाँ हम लोगों ने जाकर उनसे बातचीत भी किया है और उनसे पूछा है और कहा भी, आग्रह भी किया, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये वृक्ष जब तक पूरा विकसित नहीं हो जाता, बढ़ नहीं जाता तब तक आप इसकी देख रेख करते रहिए।
और प्रत्येक आदमी को मैंने